हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए जान लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। देन देन द मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग 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 इट्स रॉ एंड कॉलम्स कॉलम्स रॉ एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड इसी में लिख देते हैं एंड एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टू द पावर टी। ठीक है, ए के पावर टी से डिनोट करेंगे या ए डैश से डिनोट करेंगे ए के ट्रांसपोज को। चलिए अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, 2 1 3 5 -2 7। देख रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है, तो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं डेफिनेशन में कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रॉ एंड कॉलम, यानी रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आप इसका मतलब ये देखो कैसे लिख सकते हैं इसे, आप इस तरह से लिख सकते हो, ये रॉ को आप कॉलम बना दो 2 1 3, सेकेंड रॉ को हम लोग सेकेंड कॉलम बना देते हैं 5 -2 7। देख लिए रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो गया, जो रॉ था इसमें वो कॉलम बन गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें जो कॉलम था वो रॉ बन गया, देख रहे हैं ना। तो वही मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि अगर आपका कोई ए कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, तो उनके रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करने पे जो हमें मैट्रिक्स मिलता है ना, वही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। और इसे कैसे डिनोट करेंगे, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसे ए डैश लिखेंगे या फिर ए का पावर टी भी लिख सकते हैं, ए का पावर टी लिखिए या ए डैश लिखिए, ए का ट्रांसपोज इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो समझ गया ट्रांसपोज में करना क्या होता है, रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। इसका मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स ए, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए, इसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर एम बाई एन है, तो अगर इसके ट्रांसपोज की बात करें तो ए डैश लिखो या फिर ए का पावर टी लिखो, और ये क्या हो जाएगा, तो इसके एलिमेंट ए जे आई के फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, और ऑर्डर एन बाई एम हो जाएगा, समझे ना बात को। यहां देखो ना, 2 रॉ है 3 कॉलम है, इसमें 3 रॉ है 2 कॉलम है, इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे समझे ना, यहाँ आई और जे का वैल्यू, तो आई का वैल्यू होगा 1 2 3 4, कहाँ तक चला जाएगा आपका आई का वैल्यू, अगर यहाँ बात करें ए आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट है और एम बाई एन इसका ऑर्डर है, यानी इसमें एम रॉ होंगे और एन कॉलम होंगे, यही ना होगा इसका मतलब। यानी इस आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 कहाँ तक होगा, एम तक होगा, और जे का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4, ये सब कहाँ तक चला जाएगा, एन तक हो जाएगा, समझ गया ना। तो आप यहाँ से क्लियर होगा कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब है कि उसके रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो देखो यहाँ पे भी रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो गया है एलिमेंट्स में भी, देख रहे हैं ना यहाँ पे, और इसका ऑर्डर बदल जा रहा है ना, ये एम बाई एन था तो अब एन बाई एम हो जा रहा है। क्लियर हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी, और इसे मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ 7 2 5 8, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज पूछूँ तो आप क्या कहोगे, रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, सिंपली आप रॉ को कॉलम बना दो 7 2 5 8,
ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो समझ में आ गया ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और उसे कैसे फाइंड करना है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ थ्योरम है, उनको देखते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फर्स्ट थ्योरम या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ प्रॉपर्टी ही लेके चलता हूँ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अगर ए और बी, ध्यान रखना सम होने के लिए सेम ही ऑर्डर होना चाहिए दोनों का, है ना, कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, सॉरी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। बात को समझ आया, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ध्यान रखना कि ए और बी जो होगा सेम ही ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ना उनका सेम सम हो पाएगा। चलिए इसका प्रूफ देखिए, लेट ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म है और ऑर्डर है इसका m बाई एन। अच्छा दूसरा मैट्रिक्स b है जिसका एलिमेंट b i j के फॉर्म है और इसका ऑर्डर है m बाई एन, दोनों का सेम ऑर्डर मैंने लिया है। अच्छा हम लोग अगर a प्लस बी की बात करें तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं दो मैट्रिक्स के सम के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे, यही ना हो जाएगा, और इसका ऑर्डर यहाँ पे हम लोग लेंगे m बाई एन, ठीक है। देन अगर मैं इस a प्लस बी के ट्रांसपोज की बात करूंगा, a प्लस बी के ट्रांसपोज की, तो इसका मतलब कि आप क्या करोगे, इसमें आप इसे लिखोगे a j i, जैसे अभी आपको मैंने ट्रांसपोज के डेफिनेशन से बताया है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के, तो i j साथ यहाँ क्या हो जाएगा, j i करेंगे ना जी, बिल्कुल j i कर देंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, b j i और ऑर्डर क्या हो जाएगा n बाई एम, यही ना हो जाएगा, आप इसे फर्स्ट मान लो। अच्छा हमें जो इक्वल में दिखाना है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज के इक्वल दिखाना है, तो अगर आपसे मैं कहूँ इस मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा आपका a j i और ऑर्डर होगा n बाई एम, n बाई एम। अच्छा इसके ट्रांसपोज की मैं बात कहूँ तो क्या हो जाएगा, ये b जे आई और यहाँ ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम, क्लियर है। चलिए तो अब इन दोनों का सम आप देखो, तो दो मैट्रिक्स का सम की बात करें तो सम क्या, तो पहले तो देखना होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो, ए जे आई प्लस बी जे आई और यहाँ ऑर्डर है इसका एन बाई एम, ये ना हो जाएगा, तो आप इसे सेकेंड लो। अब इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, ये दोनों सेम ही है ना जी, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो गए, तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वह इक्वल हो जाएगा ए के ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के, तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू, ठीक है। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ए क्या है आपका, कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, देन ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, मतलब समझे, ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ही आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, प्रूफ देखिए, हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि ए आपका जो मैट्रिक्स है ना, इसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है एम बाई एन, देन अच्छा देन अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूँ तो आप क्या कहोगे कि इसका एलिमेंट ए जे आई के फॉर्म में हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एन। अच्छा अगर मैं फिर से इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कहूँ तो क्या करोगे, तो फिर से इसको रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करोगे तो इसका एलिमेंट ए जे के फॉर्म में हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा एम बाई एन। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये किसका वैल्यू है, तो ए का ही ना वैल्यू है, ये होता है, प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे,
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री। चलिए देखते हैं, इफ के के क्या है आपका, कोई स्केलर ले लेते हैं, के इज एनी स्केलर, क्या है कोई स्केलर क्वांटिटी है, एंड ए बी एनी मैट्रिक्स, ये क्या है आपका कोई भी मैट्रिक्स है, देन देन के इंटू ए का जो ट्रांसपोज होगा वह इक्वल हो जाएगा के ए के ट्रांसपोज, क्योंकि के तो स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज थोड़ा निकालेंगे हम लोग, मैट्रिक्स का इन्हें ट्रांसपोज निकालेंगे। चलिए इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यानी इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, ये के ए का जो ट्रांसपोज होगा इक्वल होगा के इंटू में ए के ट्रांसपोज के, समझे ना। लेट हम लोग ए मैट्रिक्स जो है इस तरह से ले लेते हैं, इसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है एम बाई एन, देन आप ये बताओ इसका मैं ट्रांसपोज कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इसका एलिमेंट ए जे आई के फॉर्म में हो जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम, एन बाई एम, समझे ना बात को, ऐसे ही ना लिखेंगे। अच्छा तो अगर मैं के ए की बात करूंगा तो ये के ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये के अगर मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेगा और ये स्केलर क्वांटिटी, तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये के ए आई जे और ऑर्डर होगा इसका एम बाई एन, इसी तरह से ना दिखाएंगे। अच्छा इसका मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि के ए का ट्रांसपोज बताओ तो आप क्या कहोगे कि के ए जे आई और ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम, ये ना कहोगे, चलिए ऐसे ही कहोगे। चलिए अच्छा अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट को ये स्केलर को बाहर निकाल दूँ तो के ए का जो ट्रांसपोज है इक्वल हो जाएगा के कॉन्स्टेंट, ये बाहर निकल सकता है ना मैट्रिक्स से, और यहाँ ए जे आई और ऑर्डर है एन बाई एम, एन बाई एम, तो ये जो मैं देख रहा हूँ ये ए का ट्रांसपोज का इन्हें वैल्यू दिख रहा है, तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूँ अब कि यहाँ पर लिख सकता हूँ कि के ए का जो ट्रांसपोज होगा वह इक्वल हो जाएगा के इंटू में ए के ट्रांसपोज के, समझ गए। अच्छा अभी तक मैंने जो भी आपको तीन प्रॉपर्टीज बताई हैं उनके बेस पर मैं अगर मैं कहूँ कि माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा तो निगेटिव ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा ना, अभी जो प्रॉपर्टी देखे थे उससे, और जो फर्स्ट वाला देखे थे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अगर मैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज लिखूँ तो क्या कह सकते हो, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये भी कह सकते हैं ना इससे, तो ये दो अलग से आपकी प्रॉपर्टीज, अभी जो थ्योरम फर्स्ट देखे थे ये उससे हो जाएगा और ये अभी जो थर्ड में देखे हैं उससे ये हो जाएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि इफ ए बी एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है, एम बाई एन मैट्रिक्स, एम बाई एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स, एंड बी बी एन बाई पी मैट्रिक्स, बी जो है आपका एन बाई पी मैट्रिक्स, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है इस मैट्रिक्स के, ठीक है, देन देन ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा ना वह इक्वल हो जाएगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है एम बाई एन, और बी जो मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट बी जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है एन बाई पी, इसी तरह से ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा तो आप कहोगे कि सर ए जे आई और ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम, अच्छा और बी का ट्रांसपोज क्या होगा तो इसका एलिमेंट हो जाएगा बी के जे के फॉर्म में और ऑर्डर हो जाएगा पी बाई एन, पी बाई एन। अच्छा अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि ए इंटू बी बताइए, ए बी बताइए, तो ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी जो मैट्रिक्स हुआ उसके एलिमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा, आपको पता ही है जे इक्वल टू वन टू एन ए आई जे और बी जे के, ठीक
इस फॉर्म में होंगे और ऑर्डर हो जाएगा इसका m बाई पी, यही ना हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ a इंटू बी के ट्रांसपोज की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर सिग्मा j इक्वल टू वन टू n a, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a j i हो जाएगा और यहाँ b आपका क्या हो जाएगा, k j हो जाएगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, a j i और इंटू में b k j, ठीक है, और इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका p बाई m, समझ आना, p बाई m यही ना हो जाएगा। चलिए तो अगर आप इसे चाहो तो ये तो एलिमेंट्स ना प्रोडक्ट में है, तो इसे तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, j इक्वल टू वन टू एन सिग्मा और यहाँ पे हो जाएगा b k j और इंटू a j i और ऑर्डर है आपका p बाई m, समझ रहे ना। अब देखो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे यह दिख रहा है कि ये b के ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर यहाँ से देखूँ b के ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसके एलिमेंट सिग्मा यहाँ पर लिख सकता हूँ j इक्वल टू वन टू n और हो जाएगा b यहाँ पर k j और इंटू a j i और ऑर्डर होगा इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे p बाई m। तो यही ना हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो इसे हम लोग इसे कर देते हैं a b का ट्रांसपोज, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो और ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा b के ट्रांसपोज और इंटू a के ट्रांसपोज के, क्लियर हो गया। यानी कि a में b से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो तो वो इक्वल हो जाएगा b के ट्रांसपोज और इंटू में a के ट्रांसपोज के, समझ गए। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में यही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और आगे के टॉपिक को आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपका भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा आपके रवि का आंसर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।